हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स चैप्टर 4 पार्ट 3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56। ट्रिप टू आगरा मतलब पिकनिक टू आगरा। मेरी एंड बेंचोंग आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा। मेरी और बेंचोंग अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शो टू ताजमहल। वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन उतरते हैं और वहां से ताजमहल जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लेते हैं। आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे के बाद दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट अगेन इन अ रिक्शो। आगरा फोर्ट जाने के लिए फिर से वो रिक्शो पकड़ते हैं। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिकरी और दोपहर में वो बस पकड़ते हैं फतेहपुर सिकरी जाने के लिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57 मैप ऑफ आगरा। ये देखिए, ये आगरा का मैप है और उसके थोड़े से प्लेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हो, पहले है यहाँ पे बाबरपुर फॉरेस्ट, फिर आगरा फोर्ट, यमुना रिवर, ताजमहल, ताज फॉरेस्ट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, और ये जो रास्ता है वो फतेहपुर सिकरी जा रहा है। नीचे यहाँ पे वो प्लेसेस का डिस्टेंस दिया हुआ है कि कौन से प्लेसेस से कौन सा प्लेसेस कितना दूर है। नाउ लुक एट द डिस्टेंसेज बिटवीन दिस प्लेसेस। अभी हमें ये जो प्लेसेस दिए हुए हैं उनका डिस्टेंस कितना है वो देखना है। 4 किलोमीटर्स वी राइट KM, किलोमीटर में हम डिस्टेंस नापते हैं, तो ये जो प्लेसेस है उसका भी डिस्टेंस किलोमीटर में नापेंगे। तो उसको उसके लिए किलोमीटर को हम शॉर्ट में लिखेंगे KM। पहला है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर। देखिए, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल का रास्ता है 5 किलोमीटर का। फिर है ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर। ताजमहल टू आगरा फोर्ट है 2 किलोमीटर। फिर है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर होता है। ये तो ये दोनों जो प्लेसेस का डिस्टेंस है उससे भी बड़ा है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। अभी हमें बताना है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कौन सा प्लेस दूर है, ताजमहल या फतेहपुर सिकरी। चलो देखते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ये रहा ताजमहल और ये रहा फतेहपुर सिकरी। तो बताइए कौन सा प्लेस दूर है। यस, फतेहपुर सिकरी। तो आंसर आएगा फतेहपुर सिकरी। शो द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन देख रहे हो आप। Which of this is nearer to the railway line? कौन सा प्लेस रेलवे लाइन की नजदीक है? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताजमहल। कौन सा प्लेस है रेलवे लाइन की नजदीक? बाबरपुर फॉरेस्ट या कौन सा है ताज फॉरेस्ट? चलो, बाबरपुर फॉरेस्ट नजदीक है या ताज फॉरेस्ट नजदीक है रेलवे लाइन से, बताइए। यस गुड, बाबरपुर फॉरेस्ट नजदीक है। चलो उसके बाद है आगरा फोर्ट और ताजमहल। आगरा फोर्ट नजदीक है या ताजमहल? आगरा फोर्ट और ताजमहल दोनों में से रेलवे लाइन की नजदीक कौन सा प्लेस है, बताइए। चलिए, आगरा फोर्ट। विच इज क्लोजर टू द यमुना रिवर? यमुना रिवर से पास में कौन सा प्लेस है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन? तो आंसर क्या आएगा? ताजमहल। टेक्स्ट
टेक्सटबुक पेज नंबर 58, मैच द करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ मैच करनी है, ड्रो लाइंस टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी, लाइन ड्रो करनी है और मैच करके बताना है कि कौन सी पिक्चर है वो कितनी बड़ी हो सकती है। चलो सबसे पहले है लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, तो अर्थवर्म की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर है हाइट ऑफ अ चाइल्ड, तो हाइट ऑफ अ चाइल्ड क्या आएगा 1 मीटर। फिर विथ ऑफ अ फिंगर नेल तो 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अ साड़ी 5 मीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल तो आएगा 2 किलोमीटर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59, द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, द एनिमल्स इन दिस पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन। ये जो पिक्चर में एनिमल्स दिए उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, नीचे स्नैक भी है देख लीजिए। द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वन अ प्राइज, जिस एनिमल की सबसे ज्यादा लंबी टेल है वो प्राइज जीतेगा। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड। अभी बताइए कि आपको कौन सा ऐसा लगता है जो फर्स्ट प्राइज जीत सकता है और कौन सा ऐसा है वो सेकेंड प्राइज जीत सकता है। जस्ट गैस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, गैस करना है कि लॉन्गेस्ट टेल किसकी है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टेल है स्नेक की, तो स्नेक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड सेकेंड है मेरे हिसाब से मंकी, मंकी वॉन द सेकेंड प्राइज। आपको घर पे ये पिक्चर देख के गैस करना है कि किसकी टेल सबसे लंबी है और किसकी टेल सेकेंड नंबर पे है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्राइज इज वेरी वेल एंड यू हैव टू मैच द आंसर्स ऑफ मैच द फॉलोइंग इन अ टेक्स्ट बुक। थैंक यू।